जरा सोचो, एक खूंखार कैदी अपने परिवार को बचाने के लिए हाई सिक्योरिटी जेल तोड़कर निकल जाए। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहां कई लोग एक बिल्डिंग की छत पर नाइट्रो रश नाम का एक गैर कानूनी ड्रग लेकर नाच रहे थे। इस ड्रग के शरीर में जाते ही इंसान को लगने लगता कि उसके पास पंख हैं, जिनकी मदद से वो हवा में उड़ सकता है। इसीलिए उस बिल्डिंग की छत से लोग खुशी खुशी एक एक करके कूदने लगे। इसके बाद हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जेल में कैद कड़ी कसरत कर रहा था। बाद में वो बैठकर अपने बेटे के बचपन की तस्वीर देखने लगा। तभी एक पुलिस वाले ने आकर उसे बताया कि उसके पिता उससे मिलने आए हैं। जब मैक्स अपने पिता मैग से मिला तो मैग ने उसे तोहफे में एक किताब और उसके बेटे थियो की नई तस्वीर दी। उसने बताया कि थियो काफी समय से घर नहीं आया और ना ही उसकी कोई खोज खबर है। वहीं दूसरी ओर चार्ली और थियो नाम के दो हैकर्स कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च पर नजर रखे हुए थे। इसके लिए उन्होंने एक गैर कानूनी लैब को हैक कर लिया था। लेकिन तभी पुलिस को उनकी हरकतों की खबर हो गई, क्योंकि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी भी करते थे। फिर अगले दिन टीवी पर खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन असल में पुलिस ने सिर्फ एवोकैट नाम के आदमी को गिरफ्तार किया था, जो उनका बॉस था। पुलिस वालों ने थियो और चार्ली को तो बस थोड़ा धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि वो अभी नाबालिग थे। उधर मैग ने भी टीवी पर खबर देखी और वो तुरंत थियो को छुड़वाने पुलिस स्टेशन पहुंचा। फिर जब वो घर लौटे तो मैग ने उसे काफी समझाया, लेकिन थियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थियो ने कहा कि वो अपने पिता मैक्स से तो अच्छा ही है ना, कम से कम उनकी तरह सालों से जेल में तो नहीं सड़ रहा मैं। इसके बाद उसने अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वहां भी उसका मन शांत नहीं हुआ, इसलिए थियो खिड़की से निकलकर वापस वहीं भाग गया जहां वो काम करता था। उधर जेल में मैक्स को एक पुलिस ऑफिसर हथकड़ी लगाकर एक कमरे में ले गया। कुछ ही पलों में वहां एक औरत आई जो असल में पुलिस ऑफिसर थी। उसने मैक्स को एवोकैट नाम के उस शख्स की तस्वीर दिखाई। मैक्स उसे देखते ही पहचान गया, क्योंकि एवोकैट वही आदमी था जिसने मैक्स की पत्नी के इलाज के लिए इलीगल दिल भेजे थे। लेकिन अफसोस, उसकी पत्नी का ऑपरेशन नाकामयाब रहा और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद डायरेक्टर ने मैक्स को एक लिक्विड दिखाया जो असल में नाइट्रो रश था। उसने बताया कि जो भी आदमी ये ड्रग लेता है वो पागल होकर ये सोचने लगता है कि उसके पंख हैं। ये ड्रग काफी तेजी से देश में फैल रहा था और पुलिस को शक था कि इसके पीछे जरूर एवोकैट और उसके आदमियों का हाथ है। अब एवोकैट की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बस उस आदमी की तलाश है जिसने नाइट्रो रश बनाया है। ये सब सुनकर मैक्स ने कहा कि उसे पुलिस की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन उस पुलिस वाली ने हंसकर कहा कि उसका बेटा थियो भी एवोकैट की गैंग में शामिल हो चुका है। जब उसने मैक्स को थियो की गिरफ्तारी की तस्वीर दिखाई तो मैक्स मदद के लिए मान गया। इसके बाद वो सीधा जेल में एवोकैट को ढूंढने लगा, क्योंकि ये खबर सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसे ढूंढते ही मैक्स ने उसे खूब पीटा और धमकी दी कि अगर जिंदा रहना चाहता है ना तो मेरे बेटे थियो को इस धंधे में शामिल करने के बारे में सोचना भी मत। तभी एक पुलिस वाले ने आकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैक्स उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसी के सहारे बाहर निकलने लगा। कई पुलिस वालों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो बिल्डिंग की छत से कूदकर फरार हो गया। तभी बिल्डिंग के बाहर एक पुलिस वाले ने उसे बंदूक दिखाकर कहा, रुक जाओ कानून की खातिर। लेकिन मैक्स ने बड़ी चालाकी से उससे बंदूक छीनी और उसकी गाड़ी में बैठकर भाग निकला। मेरे साथ ये क्या हो गया पापा? इसके बाद वो सीधा अपने पिता के घर थियो से मिलने पहुंचा, पर जब उन्होंने थियो का कमरा खोला तो वहां कोई नहीं था। फिर अगले दिन मैग मैक्स को उस जगह ले गया जहां थियो काम करता था। मैक्स उस जगह का मुआयना कर ही रहा था कि तभी एक काली गाड़ी वहां आकर रुकी और उसमें से एक औरत थियो और उसके दोस्त के साथ उतरी और वो लोग सीधा अंदर चले गए। जब मैक्स ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो एक आदमी ने दरवाजा खोल दिया और वो पकड़ा गया। उस आदमी का नाम कोलॉस था और वो जानता था कि मैक्स एक अपराधी है, इसलिए उसने मैक्स को अंदर जाने से मना किया, वरना उसके पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक आ सकती है। लेकिन मैक्स ने हार नहीं मानी। वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुसाया, लेकिन उसे डैफनी नाम की औरत ने देख लिया। ये वही औरत थी जो थियो के साथ आई थी। फिर डैफनी को पता चला कि मैक्स थियो का बाप है, लेकिन उसने मैक्स को उससे मिलवाने से साफ इनकार कर दिया। पर मैक्स उस पर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए अंदर घुस गया। फिर जब वो थियो से मिला तो थियो उससे काफी नाराज था, क्योंकि थियो को लगता था कि उसकी माँ की मौत का कारण मैक्स ही है। उसने गुस्से में अपने पिता से चले जाने को कहा। तभी डैफनी ने आकर मैक्स से कहा कि वो थियो को वापस हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए मैक्स को डैफनी की गैंग में शामिल होना होगा। ये सुनकर मैक्स मान गया और फिर डैफनी उसे अपने घर ले आई जहां थियो भी रहता था। उधर थियो चार्ली के साथ एक मैदान में था। चार्ली ने कहा कि उसे अपने पिता के जज्बातों को समझना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उससे मिलने के लिए जेल से भाग कर आया है। पर थियो ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तो मैक्स कई लोगों का खून करने के इल्जाम में थियो को अकेला छोड़कर सालों के लिए जेल चला गया था। उधर डैफनी ने मैक्स को बताया कि फिलहाल वो लोग नाइट्रो रश नाम का एक ड्रग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
डैफनी को खबर मिली थी कि नाइट्रो रश को असल में दो वैज्ञानिकों ने बनाया था जो एक सुनसान जंगल के बीचों बीच रहते हैं। डैफनी ने बताया कि अगर वो फॉर्मूला उनके हाथ लग जाए तो उन्हें दुनिया में सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही पलों में थियो, चार्ली और क्लॉस भी वहां आ गए। फिर डैफनी ने थियो को अलग ले जाकर कहा कि उसे अपने पिता मैक्स की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो थियो के लिए ही अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी गैंग में शामिल हो रहा है। ये देखकर उसने थियो को चूम लिया क्योंकि वो जानती थी कि थियो उसे पसंद करता है। इसके बाद जब सब इकट्ठा हुए तो थियो और चार्ली ने नाइट्रो रश तक पहुंचने का पता लगा लिया। उन वैज्ञानिकों ने नाइट्रो रश को एक फ्लास्क ड्राइव में रखा था जिस पर एक पासवर्ड लगा हुआ है। उनकी लैब एक सुनसान जंगल के बीचों बीच है जहाँ की जमीन पर भी सिक्योरिटी अलार्म्स लगे हैं, यानी कि अगर कोई अनजान आदमी उस जमीन पर पैर भी रखेगा तो उन्हें तुरंत खबर मिल जाएगी। फिर मैक्स ने बिना जमीन को छुए उस लैब तक पहुँचने का प्लान बनाया। अगले दिन से ही उन्होंने रस्सियों से लटक कर हवाई कसरत करनी शुरू कर दी। बाद में मैक्स ने गाड़ी को एक गैराज में ले जाकर उसका इंजन बदलवाया। इसी दौरान उन सब ने निशानेबाजी भी सीखी। फिर मैक्स थियो को स्पोर्ट्स कार की सैर कराने ले गया। अब उनके रिश्ते सुधरने लगे थे, लेकिन अचानक थियो को याद आ गया कि मैक्स ने उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा था। इस पर मैक्स ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो अपनी पत्नी के लिए मरने को भी तैयार था। फिर उसने थियो को डैफनी से दूर रहने को कहा क्योंकि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन थियो बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से चला गया। तभी हम देखते हैं कि क्लॉस ने छिपकर उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। उसने तुरंत ये वीडियो एवोकैट को भेजी जिसने उसे उन पर नजर रखने को कहा। फिर रात को मैक्स सो नहीं पा रहा था और तभी डैफनी वहाँ आकर उसे चिढ़ाने लगी। वो उसके साथ रात गुजारना चाहती थी, लेकिन मैक्स ने उसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा थियो डैफनी को चाहता है। उधर थियो ये सब सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था। वो ये देखकर और चिढ़ गया कि डैफनी उसकी जगह उसके पिता को चाहती है। इसको घर वाली बनाना था, मम्मी बनने को फिर रही है कमीनी। खैर अगली सुबह वो सब लैब पर जाने को तैयार थे, लेकिन रास्ते में क्लॉस ने थोड़ा नाइट्रो रश चख लिया। फिर जब वो जंगल में पहुंचे तो चार्ली और क्लॉस को गाड़ी की जिम्मेदारी सौंप कर बाकी सब लैब की ओर बढ़ने लगे। उधर वो दोनों वैज्ञानिक केमिस्टिक और रेजिन बाहर नाश्ता करने गए थे। वहीं मैक्स रस्सी की मदद से हवा में लटक कर लैब की छत तक जा पहुंचा, लेकिन जैसे ही थियो रस्सी पर लटका तो उसका फोन नीचे गिर गया। थियो उसे उठाने लगा तो मैक्स ने उसे तुरंत रोक दिया क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को उनके यहाँ होने की खबर हो जाती। फिर लैब में जाकर थियो ने तुरंत उनके कंप्यूटर्स का डेटा अपनी फ्लैश ड्राइव में डाल लिया। उधर क्लॉस के दिमाग पर नाइट्रो रश का असर हो गया और वो गाड़ी चलाकर लैब से टकराने के लिए निकल पड़ा। बेचारे चार्ली ने घबरा कर डैफनी को फोन करके सब कुछ बताया। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने की तैयारी की, लेकिन वहीं वैज्ञानिकों को खबर मिल गई थी कि कोई तो उनकी लैब में घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर जब क्लॉस लैब पर पहुंचा तो उसने डैफनी से नाइट्रो रश के फॉर्मूले की मांग की। असल में वो ये सब एवोकैट के कहने पर कर रहा था, लेकिन उसी वक्त वैज्ञानिकों ने वहां आकर उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मैक्स ने जैसे तैसे सबको गाड़ी में बैठाया और वहां से भाग निकला। वो दोनों साइंटिस्ट भी उनका पीछा करने लगे, लेकिन आखिरकार मैक्स उन्हें चकमा देकर गाड़ी अपने पिता के घर ले आया। जब वैज्ञानिक लैब में लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि मैक्स और उसकी गैंग ने नाइट्रो रश चुरा लिया है, और तभी उनकी नजर पड़ी जमीन पर गिरे थियो के फोन पर। अब वो इसके जरिए मैक्स की टीम का पता लगा सकते थे। उधर क्लॉस ने एवोकैट को खबर कर दी कि उन्होंने नाइट्रो रश चुरा लिया है। फिर जब एवोकैट ने डैफनी से फ्लैश ड्राइव मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया। एवोकैट ने उसे थियो को मारने की धमकी दी, लेकिन असल में थियो ने फ्लैश ड्राइव का पासवर्ड बदल दिया था, इसलिए वो किसी भी हालत में थियो को तो नहीं मार सकते। लेकिन फिर एवोकैट ने डैफनी को मारने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि अब वो उसके किसी काम की नहीं थी। जैसे ही क्लॉस उसे मारने लगा तभी बाहर से साइंटिस्ट ने आकर घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मैक्स तुरंत नीचे झुक गया और दरवाजा तोड़कर उन पर झपट पड़ा, लेकिन उन दोनों ने उसे पीट कर जमीन पर गिरा दिया। तभी डैफनी मैक्स की मदद करने आई। उसने एक साइंटिस्ट के मुंह पर इतना जोरदार वार किया कि वो चित हो गया। उधर मैक्स ने भी फिर खड़े होकर रेजिन को मजा चखाया, लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट केमिस्टिक ने डैफनी को एक कोने में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही वो गिरी तो उसके हाथ एक राइफल लग गई और वो केमिस्टिक को खत्म करने ही वाली थी कि मैक्स ने उसे रोक दिया। फिर डैफनी ने उसके पैर में गोली मारी ताकि वो भाग न सके। उसी पल वो भी अपनी चोटों की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी पुलिस हेलीकॉप्टर में वहां आ पहुंची। उन्होंने डैफनी को हॉस्पिटल पहुंचाया और बाकी सभी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर मैक्स ने थियो को बताया कि ये सब असल में एक प्लान का हिस्सा था। उसके जेल से भागने से लेकर नाइट्रो रश चुराने तक ये सब उसने पुलिस कमिश्नर के कहने पर किया था जिससे वो अपराधियों को पकड़ सके और साथ साथ वो अपने बेटे थियो को गलत रास्ते पर जाने से रोक सके। आखिरकार मैक्स ने थियो को फ्लैश ड्राइव पुलिस के हवाले करने को कहा।
लेकिन थियो ने खुलासा किया कि उसने लैब में ही ड्राइव से नाइट्रो रश का फॉर्मूला मिटा दिया था। ये सब उसने इसलिए किया ताकि दुनिया में कोई इस ड्रग को ना बना सके। अब मैक्स को यकीन हो गया कि उसका बेटा हमेशा सही रास्ते पर चलेगा। कुछ दिनों बाद मैक्स की बहादुरी की वजह से उसे जेल से बाइज्जत रिहा कर दिया गया। अब वो अपने परिवार के साथ रहकर उनका ख्याल रख सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।